हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। मायसेल्फ अनुप कुशवाहा। आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 11 में हमने सिर्फ थियरी का पार्ट कवर किया था, ह्यूमन आई, आई पीस और रिजॉल्विंग पावर के ऊपर। तो ये जो थियरी हमने पिछले लेक्चर में कवर किया है लेक्चर नंबर 11 में, आज हम उन्हीं टॉपिक के ऊपर बेस्ड कुछ प्रीवियस ईयर और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको बता दें कि ऑप्टिक्स आपके जीआईसी के सिलेबस का यूनिट 4 है। इसके पहले के जो 3 यूनिट हैं यानी कि मैकेनिक्स, थर्मल फिजिक्स, वेव एंड ऑसिलेशन, इन तीनों यूनिट के एक एक टॉपिक को हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है और उन सभी टॉपिक के ऊपर बेस्ड प्रीवियस ईयर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व कराए हैं। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप तुरंत प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें डिफरेंट प्लेलिस्ट में वो उन सभी लेक्चर को अपलोड किया गया है, तो आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को एक उचित दिशा दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो प्रमोशन तो हो गया और अब क्लास स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, रैंसडन आईपीस से है ये सवाल। द फोकल लेंथ ऑफ ईच ऑफ द लेंसेज इन रैंसडन आईपीस इज एफ। मतलब यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है जब आपको पहले से ही पता है कि रैंसडन आईपीस में दोनों लेंसेज का फोकल लेंथ एफ होता है। फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज, तो आपको रैंसडन आईपीस का फोकल लेंथ बताना है, ठीक है। तो सीधी सी बात है इनका कि रैंसडन आईपीस का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आपको बताना है। देखिए, रैंसडन आईपीस पर जितने भी क्वेश्चन अभी तक इसके पहले आए हैं या फिर हाइगेंस आईपीस के ऊपर क्वेश्चन आए हैं, वो आप 80% या 90% कह लीजिए क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं जब आपको सिर्फ इतना पता हो कि रैंसडन आईपीस या हाइगेंस आईपीस में जो लेंसेस हम इस्तेमाल करते हैं वो कितने फोकल लेंथ के होते हैं और उनके बीच का सेपरेशन कितना होता है। सिर्फ इतना अगर आपको पता है तो 90% क्वेश्चन आप रैंसडन और हाइगेंस आईपीस के सॉल्व कर लेंगे। बाकी इसके अलावा अगर कार्डिनल पॉइंट वगैरह पूछा जाता है तब फिर आपको उसको कैलकुलेट करना पड़ता है, नहीं तो बाकी चीजें सब आपको पता है, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम रैंसडन आईपीस की बात करें तो आपको पता है कि रैंसडन आईपीस में जो दोनों लेंसेस होते हैं वो फेस उनका एक दूसरे को, मतलब उनका जो स्फीरिकल सरफेस होता है वो एक दूसरे को फेस करता है, यानी इस तरीके से इसका स्फीरिकल सरफेस और इसका स्फीरिकल सरफेस दोनों एक साइड मतलब आमने सामने होते हैं। इसका फोकल लेंथ एफ, इसका भी फोकल लेंथ एफ और इनके बीच का सेपरेशन डी इज इक्वल टू 2/3f। अगर आपको सिर्फ ये डायग्राम पता हो, इसलिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था कि रैंसडन आईपीस और हाइगेंस आईपीस का सिर्फ आप ये डायग्राम याद कर लीजिए, 90% जो चांस है कि जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो इन्हीं से आपका सॉल्व हो जाएगा। और कार्डिनल पॉइंट अगर इनका पूछा जाता है तो कार्डिनल पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कार्डिनल पॉइंट क्या होता है, इसके लिए हमने एकदम सेपरेट लेक्चर बनाया है, उसके ऊपर क्वेश्चन भी सॉल्व कराया है, तो आप उस लेक्चर को देख लीजिए तो आप इसका कार्डिनल पॉइंट भी डिसाइड कर सकते हैं। और यही पूछा भी जाता है, बार बार पूछा जाता है कि रैंसडन आईपीस का फोकल पॉइंट कहाँ पर होगा, प्रिंसिपल पॉइंट कहाँ पर होगा, इसका कंबाइंड या इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बताइए, ये क्रोमेटिक अबेरेशन के कंडीशन को फॉलो करता है कि नहीं करता है ये बताइए, दोनों लेंसेज को कैसे रखा जाता है ये बताइए, लेंसेज का नेचर कौन सा होता है, कॉन्वेक्स है कि कॉन्केव है ये बताइए, है ना, फोकल लेंथ उनका कितना होता है अगर अलग अलग फोकल लेंथ दोनों का। तो ढेर सारे सवाल सिर्फ डायग्राम के ऊपर बेस्ड हैं, इसलिए इसको आप एक क्वेश्चन मत समझिएगा, ये अपने आप में 10 क्वेश्चन है जो कि इसी डायग्राम से हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बताना है रैंसडन आईपीस का। तो अगर एक फोकल लेंथ, एक लेंस का फोकल लेंथ एफ, दूसरे का भी एफ और इनके बीच का सेपरेशन 2/3f होता है, तो इसका इक्विवेलेंट, इस कम्बिनेशन का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आप निकाल सकते हैं क्योंकि आपको फार्मूला पता है, f1 f2 upon f1 plus f2 minus d, यही होता है ना। अगर आप इस तरीके से याद किए होंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 upon f1 plus 1 upon f2 minus d upon f1 f2, क्योंकि हमने शायद इस टाइप से आपको बताया था वहाँ पर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही फार्मूला ये भी है, उसी को सॉल्व करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद ये फॉर्म आ जाता है। तो इससे क्या होता है, तुरंत वैल्यू पुट करके हमको जल्दी से आंसर मिल जाता है। तो आप अगर वैसे भी याद किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। तो F1 और F2, यही है आपका F1 पहले वाले लेंस का फोकल लेंथ, ये है F2 और D आपको पता ही है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए कितना आ जाएगा, ये F into F upon F plus F
माइनस। अच्छा, जो लोग पिछले लेक्चर को देखते हैं, जो लोग चैनल पर रेगुलर हैं, पहले से जुड़े हुए हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात तो है नहीं, उनके लिए तो ये बोरिंग लग रहा होगा, मैं समझता हूँ। लेकिन मुझे ये भी ध्यान रखना है ना कि हर दिन जो नए लोग जुड़ रहे हैं, मुझे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताना रहता है, तो इसलिए हर एक चीज़ को मैं इस तरीके से बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि इसके पहले हमने इसको डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। तो जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे होंगे, पहली बार इस लेक्चर को देख रहे होंगे, उनको भी ये समझ में आना चाहिए, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस वजह से थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना। तो f इंटू एफ अपान एफ प्लस एफ माइनस डी, और डी की जगह पर 2/3 f, ये हो गया आपका एफ स्क्वायर अपान, ये हो जाएगा यहाँ से 2f - 2/3 f, यहाँ से आप 2 को कॉमन ले सकते हैं और ये एफ स्क्वायर है। अच्छा, यहाँ पर ये f भी है, यानी कि हम इस f को बाहर निकालेंगे, एक f कैंसिल होगा, f अपान कितना आ जाएगा 6 - 2 यानी 4/3, और 3 ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा 3/4 f। मतलब हाइगेंस आईपीस का जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है वो है 3/4 × f, f का मतलब कि किसी भी एक लेंस का फोकल लेंथ, 3/4 f, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले कार्डिनल पॉइंट का लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद लेक्चर नंबर 11 देख लीजिए, क्योंकि लेक्चर नंबर 11 में हमने रैम्सडन और हाइगेंस आईपीस के बारे में थोड़ा बताया है डिटेल में, ठीक है। तो आप पहले कार्डिनल पॉइंट का लेक्चर देख लीजिए, आई थिंक लेक्चर नंबर 8 है शायद, उसके बाद आप लेक्चर नंबर 11 देखिए, फिर लेक्चर नंबर 12 में आइए, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एस्टिग्मैटिज्म कैन बी करेक्टेड बाई, एस्टिग्मैटिज्म यानी अबिंदुकता की जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सही कर सकते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करके, कॉन्केव लेंस इस्तेमाल करके, सिलेंड्रिकल लेंस इस्तेमाल करके, कि कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करके। तो देखिए, एस्टिग्मैटिज्म की प्रॉब्लम होती क्या है, तो एस्टिग्मैटिज्म की प्रॉब्लम में क्या होता है कि एक ही जगह पर जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती हैं, अगर कोई आदमी इसको देखता है और उसके रेटिना पर जो इमेज बनता है वो डिस्टॉर्टेड इमेज बनता है, मतलब वो उसको ये चीज़ें सही से नहीं दिखती हैं, इस तरह से डिस्टॉर्टेड दिखती हैं, तो इसी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं एस्टिग्मैटिज्म, ठीक है। यानी इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम आती है, वो क्लैरिटी के साथ वो दिखाई नहीं देती। तो एस्टिग्मैटिज्म या अबिंदुकता की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ना ही आपको कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करना है और ना ही कॉन्केव लेंस। इसके लिए जो लेंस इस्तेमाल किया जाता है वो इस शेप का होता है, सिलेंडर के शेप का, जिसको हम सिलेंड्रिकल लेंस बोलते हैं। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया तो बड़ी आम सी बात है और वो नहीं पूछा जाता है, अगर पूछा भी जाता है तो कौन सी बड़ी बात है। आपको मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में सारा कुछ बता ही दिया, तो आपको याद ही हो गया होगा कि किसमें कॉन्केव इस्तेमाल होता है, किसमें कॉन्वेक्स इस्तेमाल होता है। बट ये एस्टिग्मैटिज्म थोड़ा स्पेशल है, तो यहाँ पर ध्यान रखें कि ना ही कॉन्केव और ना ही कॉन्वेक्स, ये है सिलेंड्रिकल लेंस। तो यहाँ पर सिलेंड्रिकल लेंस इस्तेमाल करके इस प्रॉब्लम को, ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को देखने में दिक्कत आती है, उसको दूर किया जा सकता है, उसको एलिमिनेट किया जा सकता है, ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्रोमैटिक एंड स्फेरिकल अबेरेशन, तो देखिए क्रोमैटिक और स्फेरिकल अबेरेशन का भी सेपरेट लेक्चर बनाया जा चुका है, उस लेक्चर को आप देख लीजिए, आपको पहले ये पता चल जाएगी ये अबेरेशंस होते क्या हैं, इन अबेरेशंस को दूर करने की कंडीशंस क्या होती हैं, इज मिनिमम फॉर 2 कॉन्वेक्स लेंसेज। अब देखिए यहाँ पर दे दिया कि क्रोमैटिक और स्फेरिकल अबेरेशन मिनिमम होता है, तो मिनिमम होने की कंडीशन क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए, नहीं तो इस सवाल को आप नहीं कर सकते, ठीक है। और फोकल लेंथ F1 एंड F2, मतलब 2 कॉन्वेक्स लेंस हैं और उन दोनों कॉन्वेक्स लेंस के कम्बिनेशन से एक पूरा सिस्टम बनाया गया लेंस का, और उस सिस्टम में क्रोमैटिक और स्फेरिकल अबेरेशन दोनों मिनिमम हैं, ऐसा उनको रखा गया है कि ये दोनों अबेरेशन मिनिमम हैं, तो आपको बताना है कि उनके फोकल लेंथ का जो रेशियो आएगा, F1 और F2 का रेशियो, वो कितना आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि क्रोमैटिक और स्फेरिकल अबेरेशन को मिनिमम रखने की कंडीशन क्या होती है, क्योंकि अगर आप कंडीशन नहीं जानेंगे तो फिर आप फोकल लेंथ का रेशियो नहीं बता सकते, यानी आप सेपरेट फोकल लेंथ नहीं निकाल पाएंगे, और फोकल लेंथ नहीं निकलेगा तो रेशियो फिर बताना मुश्किल होगा। सपोज कि आपके पास ये 2 कॉन्वेक्स लेंसेस हैं, ये है और एक कॉन्वेक्स लेंस ये है, कोएक्सियल है, इसका फोकल लेंथ है F1 है, इसका फोकल लेंथ F2 है। अब यहाँ पर इनके बीच का जो सेपरेशन है वो तो नहीं दिया है,
लेकिन ये बताया गया कि इनको इस तरीके से रखा गया है कि क्रोमेटिक और स्फेरिकल अबेरेशन दोनों मिनिमम है। तो मिनिमम क्रोमेटिक अबेरेशन की कंडीशन क्या होती है? क्रोमेटिक अबेरेशन के मिनिमम होने की कंडीशन क्या होती है? डी इज इक्वल टू एफ वन प्लस एफ टू बाई टू। मतलब इन लेंसेज के बीच का जो सेपरेशन होना चाहिए वो इनके फोकल लेंथ का अपान टू करने के बाद जो जितना डिस्टेंस आएगा उतनी डिस्टेंस होगी, तो क्रोमेटिक अबेरेशन मिनिमम हो जाएगा। और स्फेरिकल अबेरेशन के मिनिमम होने की प्रॉब्लम क्या, कंडीशन क्या है? स्फेरिकल अबेरेशन, आप लोग कमेंट करके ये भी बताएंगे कि मिरर में स्फेरिकल अबेरेशन होता है कि नहीं। तो जो लोग पीछे पढ़ चुके हैं वो लोग तो जल्दी से बता दें, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पहले जाकर के क्रोमेटिक और स्फेरिकल अबेरेशन का लेक्चर देख लें, तब उनको पता चल जाएगा। स्फेरिकल अबेरेशन के लिए कंडीशन होती है डी इज इक्वल टू एफ वन माइनस एफ टू। अब आप देखिए कि अगर आप ये चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि इसमें क्रोमेटिक और स्फेरिकल अबेरेशन दोनों मिनिमम हो, इसका मतलब इनके बीच का जो सेपरेशन डी होना चाहिए वो इस कंडीशन दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। दोनों को सेटिस्फाई करने का मतलब वही डी यहाँ पर भी, जो डी आएगा वही डी यहाँ पर भी होना चाहिए, तभी तो ऐसा हो पाएगा। ऐसा तो है नहीं क्रोमेटिक अबेरेशन के लिए एक अलग डी होगा और स्फेरिकल अबेरेशन के लिए जो डी आया है वो अलग होगा, तो फिर उसी लेंस को दो बार कैसे रखेंगे आप दो जगह पर? यानी आपका डी ऐसा होना चाहिए वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे, वही डी। इसका मतलब ये डी आपस में सेम है, तो इनको जब आपस में इक्वल करेंगे तो क्या मिलेगा? एफ वन प्लस एफ टू बाई टू इज इक्वल टू एफ वन माइनस एफ टू। यहाँ से आएगा एफ वन प्लस एफ टू इज इक्वल टू टू एफ वन माइनस टू एफ टू। यहाँ से क्या आ जाएगा? एफ वन को एक साइड करिए और एफ टू को एक साइड करिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे शादी बारात में क्या करते हैं, छोटे बच्चों को कहते हैं चलो 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 इधर तुम लोग बैठो, तुम्हारी लाइन इधर लगेगी, और जो गेस्ट आते हैं उनको बढ़िया से उनके लिए अलग से टेबल पे व्यवस्था होती है वीआईपी लोगों के लिए, और उनके लिए अलग तरह का भोजन और अलग तरह का पकवान जो है उनको परोसा जाता है, और बच्चों को क्या करते हैं टाट पट्टी पर बैठा के और उनको खिला के जल्दी से भगा देते हैं, जाओ अब सोने का टाइम हो जाए, जाओ जाओ घर जाओ। तो ऐसा ही करना है आपको, जितने एफ वन वाली क्वांटिटी है उनको एक साइड करिए, जितने एफ टू वाले हैं उनको एक साइड करिए, तो क्या मिलेगा? यहाँ से देखिए 2f2, ये f1 हमने पहले से रखा हुआ था यहाँ पर, वो है तो f1, और ये आपका ये माइनस हो जाएगा 2f1, f1 माइनस 2f1 इज इक्वल टू, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2f2 पहले से था और ये जाके माइनस f2 बन जाएगा, यहाँ से आएगा माइनस f1 और यहाँ से आएगा माइनस 3f2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। और आपको क्या चाहिए था? आपको चाहिए था f1 अपान f2, क्या चाहिए? f1 अपान f2, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? f1 अपान f2 का मतलब यहाँ से आ जाएगा 3 रेशियो 1, ठीक है? तो f1 और f2 का रेशियो आएगा 3 रेशियो 1, f1 अपान f2 इज इक्वल टू 3 अपान 1, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। एक चीज़ और आपको बताएं कि अगर आपने ध्यान से पीछे के लेक्चर को पढ़ा है तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये सिचुएशन कौन सी क्रिएट की जा रही थी, हाइगेंस आईपीस की। इस क्वेश्चन में सीधे सीधे कुछ नहीं बोला गया है, लेकिन ये सारी सिचुएशन जो यहाँ बोली गई वो हाइगेंस आईपीस की है। हाइगेंस आईपीस में यहाँ पर एक लेंस होता है और एक लेंस यहाँ पर, इसकी फोकल लेंथ 3f होती है और इसकी फोकल लेंथ f, और इनके बीच का जो सेपरेशन d होता है वो 2f के इक्वल होता है। तो इस क्वेश्चन में जो भी कुछ बोला गया है वो सारा कुछ आप देखिए हाइगेंस आईपीस के अकॉर्डिंग है, मिनिमम क्रोमेटिक अबेरेशन, मिनिमम स्फेरिकल अबेरेशन, लेकिन बीच का सेपरेशन भी नहीं दिया था, फोकल लेंथ भी नहीं दिया था। तो अगर आपको ये तुरंत दिमाग में क्लिक कर जाता है तो आपको पता ही चल जाएगा कि फोकल लेंथ का रेशियो है 3 रेशियो 1, फिर आपको ये सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मान लीजिए आपको नहीं पता है कि हाइगेंस आईपीस क्या होता है, बट आपको सारी कंडीशंस पता है स्फेरिकल और क्रोमेटिक अबेरेशन की, तो आप सॉल्व भी करेंगे एक जनरल वे में, तब भी आपको मिल जाएगा उनके फोकल लेंथ का रेशियो, ठीक है? जल्दी से नोट करिए इसको, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर फोर में देखिए कि इसमें पूछा हुआ है कि जनरल एक्सप्रेशन फॉर रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इस क्वेश्चन से आपको कुछ सीखने को मिलेगा नया। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप हम पढ़ चुके हैं, बट जनरल एक्सप्रेशन फॉर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और एक यहां पर फार्मूला जो छूट गया है प्रिज्म का, वो भी आपको देखना है। तो देखिए जनरल एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे वो माइक्रोस्कोप हो
चाहे वो माइक्रोस्कोप हो, चाहे वो टेलीस्कोप हो, चाहे वो प्रिज्म हो, रिजॉल्विंग पावर का जो जनरल एक्सप्रेशन होता है वो होता है लैम्डा अपॉन डी लैम्डा, जहाँ पर डी लैम्डा का मतलब है चेंज इन वेवलेंथ से। ठीक है, अगर आपको दो अलग अलग वेवलेंथ दिया हुआ है तो उस वेवलेंथ का डिफरेंस यहाँ पर लिखेंगे आप। तो रिजॉल्विंग पावर का जो जनरल एक्सप्रेशन है वो लैम्डा अपॉन डी लैम्डा होता है, चाहे वो प्रिज्म हो, चाहे वो माइक्रोस्कोप हो, चाहे वो टेलीस्कोप हो। ठीक है, यानी रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन डी लैम्डा, ये है जनरल एक्सप्रेशन किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए। लेकिन अगर हम इसी की बात करें कि ये जो रिजॉल्विंग पावर होता है, जनरल एक्सप्रेशन जो है वो प्रिज्म के लिए क्या होगा, प्रिज्म के लिए क्या होगा, माइक्रोस्कोप के लिए क्या होगा और टेलीस्कोप के लिए क्या होगा, तो इससे पहले आप माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का रिजॉल्विंग पावर और लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन दोनों देख चुके हैं। उसमें आपको यह भी पता चला कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर आपको लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का फार्मूला पता है तो रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला जस्ट उसको रिवर्स करने से आता है। तो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के लिए जो आपने देखा था, जैसे टेलीस्कोप की अगर हम बात करें तो इसका जो रिजॉल्विंग पावर था वो क्या था, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इसका होता था 1.22 लैम्डा अपॉन डी, यानी रिजॉल्विंग पावर डी अपॉन 1.22 लैम्डा। ठीक है, जहां पर डी क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर, और लैम्डा क्या है, इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ। माइक्रोस्कोप का जो रिजॉल्विंग पावर होता है उसके लिए फार्मूला इसी टाइप का था, डी अपान, बल्कि डी की जगह पर क्या यूज होता है, 2 sin alpha, जहां पर अल्फा क्या है, ये कोण एंगल है, बल्कि और करेक्टली अगर कहें तो कोण एंगल का आधा है। पिछली क्लास में हमने बताया था कोण एंगल जो बनता है ये उसी का आधा हिस्सा है, तो कोण एंगल ही है एक टाइप का ये, तो 2 sin alpha अपान 1.22 लैम्डा। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्ट के बीच में तो यहाँ पर 2 μ हो जाएगा, ये जनरल हो गया। प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म के लिए होता है T(d μ/d λ), ये प्रिज्म के रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला है। और ये तीनों फार्मूले लैम्डा अपॉन डी लैम्डा के इक्वल हैं, क्योंकि ये जनरल एक्सप्रेशन होता है रिजॉल्विंग पावर का। ठीक है, अब क्लियर हो जाएगा। अगर आपको इन तीनों का रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला पता है तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन यानी विभेदन सीमा की अगर फार्मूला आप लिखना चाहते हैं, ये तो रिजॉल्विंग पावर का हो गया। अगर हम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन की बात करें, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ रिजॉल्विंग पावर। तो रिजॉल्विंग पावर तीनों का पता है तो आप तीनों का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप जरूर नोट कर लीजिए। ये तीनों फार्मूले हमने यहाँ पर कंपेयर करके आपको दिखा दिए ताकि कभी आपको कंफ्यूजन ना हो। इसमें अल्फा कोण एंगल है, बल्कि कोण अर्ध कोण एंगल कह लीजिए, सेमी कोण एंगल है ये, डी अपर्चर है, लैम्डा वेवलेंथ है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और टी क्या है, तो प्रिज्म का जो बेस होता है उसकी जो चौड़ाई है वो है प्रिज्म का। ठीक है, जैसे प्रिज्म ये बनता है ना, तो इसका जो बेस होता है, इसकी ये जो चौड़ाई है, ये टी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर तो आपको यहीं से मिल जाएगा, जनरल फार्मूला लैम्डा अपॉन डी लैम्डा से। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। और इस क्वेश्चन से आज आपको एक बहुत बड़ा सीक्रेट आपको बताते हैं कि जब मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाएं तो कौन सा एक की पॉइंट है जिसको अगर आप पकड़ लेते हैं तो कोई भी सवाल आए आप उसको सॉल्व कर सकते बिना किसी डाउट के। मुझे पता है कि आपको ये मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें बड़ी दिक्कत आती है, किसको यू सपोज करना है, किसको वी सपोज करना है। ठीक है, तो ये सारा डाउट आज की क्लास में आपका बिल्कुल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। पिछले लेक्चर में तो न्यूमेरिकल की बात हमने नहीं की थी, थियोरेटिकली हमने पढ़ा मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को, बट इस क्वेश्चन के साथ हम ये सीखेंगे कि इसके क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होता है। यहां पर हमेशा आप ध्यान रखिएगा, जो की पॉइंट है वो ये है, की पॉइंट अगर हम कहें इसके न्यूमेरिकल के लिए मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का, तो आप बस इतना ध्यान रखें कि जहां तक ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, जहां तक ऑब्जेक्ट दिखाई देता है वहीं पर इमेज बनाना है, वहीं पर इमेज बनाना है, क्योंकि हमें अपनी आंख को धोखा देना है,
है ना। पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि हम जब लेंस लगाते हैं तो कुल मिला के अपनी आंख को हम कंफ्यूज करते हैं। जब नज़दीक के ऑब्जेक्ट दिख रहे थे और दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा था, इन्फिनिटी का ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा था, यानी फार पॉइंट इन्फिनिटी से थोड़ा पहले चला आया था, तो जब हम यहाँ पर कॉन्केव लेंस लगाते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं कि इन्फिनिटी पर रखे ऑब्जेक्ट का इमेज हमको ऐसा लगता है कि वो जो रेज आ रही हैं इन्फिनिटी से वो कहाँ से आती हुई अपीयर हो, इस फार पॉइंट से। तो कुल मिला के ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी था पर था, लाइट इन्फिनिटी से आ रही थी, लेकिन हमने अपनी आंख को ये समझाया कि नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर नहीं है, ऑब्जेक्ट तो वही है जहां पर आपको दिखता है, ये जो फार पॉइंट डिफेक्टेड फार पॉइंट। तो हमने अपनी आंख को ये समझा दिया, ये बता दिया कि जहां तक आपको दिखता है वहीं से ऑब्जेक्ट आ रहा है, कोई चिंता की बात नहीं, जबकि रियल में वो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था। बिल्कुल ऐसे ही हमने हाइपरमेट्रोपिया में किया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या था, दूर का ऑब्जेक्ट हमको दिखता था बट नजदीक का नहीं दिखता था, दैट मीन्स 25 जो नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर, वहां के ऑब्जेक्ट हमको नहीं दिख रहे थे। इधर कुछ ऑब्जेक्ट थे जो 35 पर शायद वो दिख रहे थे, तो इधर बीच वाले ऑब्जेक्ट हमको नहीं दिख रहे थे। तो हम क्या करते हैं, इसमें यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं और अपनी आंख को ये बताते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि ऑब्जेक्ट 35 सेंटीमीटर पर नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट तो रहता तो 25 पर है, लेकिन हम अपनी आंख को ये समझाते हैं कि ऑब्जेक्ट 25 पर नहीं बल्कि 35 पर है जहां पर आपको दिखता है, तो वो ऑब्जेक्ट भी आपको दिखने लगा जो 25 पर था। कुल मिला के जहां तक उस आदमी को दिखता है, जिस भी पोजीशन पर दिखता है, एक्सट्रीम पोजीशन मिनिमम 25 और मैक्सिमम इन्फिनिटी होता है, क्वेश्चन में कुछ और दिया है तो आपको वो लेना पड़ेगा, तो जहां तक ऑब्जेक्ट दिखाई देता है वहीं पर इमेज बनाना है। इसी लाइन को आप रट लीजिए, याद कर लीजिए। अब हम सवाल पर आते हैं, देखिए कैसे इस सवाल को सॉल्व करेंगे। व्हाट फोकल लेंथ शुड बी रिड्यूसिंग स्पेक्टिकल हैव फॉर अ सॉरी यहाँ रिड्यूसिंग नहीं बल्कि रीडिंग स्पेक्टिकल है, ये गलत लैंग्वेज हो गया, रीडिंग स्पेक्टिकल्स यानी चश्मा हैव फॉर अ पर्सन फॉर होम द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 50 सेंटीमीटर। पहले तो आप लोग ये हमको बताइए कमेंट करके कि अगर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन 50 सेंटीमीटर है तो ये कौन सा डिफेक्ट होगा, मायोपिया होगा कि हाइपरमेट्रोपिया होगा। और हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम इसी लाइन को आपको ध्यान रखना है कि जहां तक का ऑब्जेक्ट दिखता है इमेज वहीं पर बनाना है। इनको कहां तक दिखता है, मिनिमम 50 सेंटीमीटर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी अगर हम यहां पर डायग्राम बनाएं, ये ह्यूमन आई है और ह्यूमन आई के सामने सपोज कि ये हमारा वो ओरिजिनल नियर पॉइंट है और ये फार पॉइंट है, यानी ये इन्फिनिटी है और ये 25 सेंटीमीटर है। तो आपको पता है कि नॉर्मल ह्यूमन आई को जो मिनिमम डिस्टेंस तक ऑब्जेक्ट को दिख सकता है क्लियरली वो यही होता है 25 सेंटीमीटर, और मैक्सिमम कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। बट यहाँ पर एक आदमी ऐसा है जो कम से कम कितनी डिस्टेंस तक के ऑब्जेक्ट को देख पाएगा, 50 सेंटीमीटर। यानी अगर ये है आपका 50 सेंटीमीटर, ये पॉइंट मान लीजिए ए, तो इस 50 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस वाला ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, और 50 से लेकर 25 के बीच का ऑब्जेक्ट तो नॉर्मली तो दिखता है ना, 25 तक तो दिखता ही है, लेकिन इस आदमी को प्रॉब्लम यह है कि 50 से कम वाला कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, बिकॉज 50 सेंटीमीटर इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर दिस मैन। तो अगर ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, यानी इस रेंज का जो ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए था, दिखता है लोगों को, वो इनको नहीं दिख रहा है, तो इसको दिखाने के लिए, यानी अगर हम मिनिमम ये वाला पॉइंट ले लें, तो इस पॉइंट एन पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ये इनको नहीं दिख रहा है, नहीं दिखेगा क्योंकि 50 से कम इनको दिखता नहीं, सवाल में बोला है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पर रखे ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनाना पड़ेगा, यहां पर बनाना पड़ेगा 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, क्योंकि जहां तक उस आदमी को दिखता है 50 तक दिखता है, तो अगर यहां पर रखे ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पर बनेगा तब तो इस आदमी को दिखेगा ना, क्योंकि इस आदमी को यहां पर दिखता है भाई, तो ऑब्जेक्ट भले यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर हो, लेकिन अगर उसका इमेज इस पॉइंट पर बनेगा तो इस आदमी को दिखेगा, और जहां पर दिखाई देता है इमेज वहीं पर बनाना है, तो इनको 50 पर दिखाई दे रहा है तो 50 पर इमेज बनाना है, दैट मीन्स वी इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, और ये ह्यूमन आई के लेफ्ट में है तो माइनस के साथ, और एक्सट्रीम कंडीशन के साथ हमेशा हम अपने ऑब्जेक्ट को कंपेयर करेंगे। एक्सट्रीम का मतलब जो मिनिमम हो सकता था 25,
या जब इधर वाली बात आएगी तो मैक्सिमम यानी इन्फिनिटी का केस लेंगे। तो एक्सट्रीम कंडीशन फॉर ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू की वैल्यू 25 सेंटीमीटर, ये भी इसके लेफ्ट में है, ये भी माइनस। अब आपको बताना है कि फोकल लेंथ कितना होगा, प्लस 50 या माइनस 50, माइनस 25 की प्लस 25, प्लस या माइनस का मतलब यहाँ कॉन्वेक्स या कॉन्केव जानना चाहते हैं ये। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये लेंस का फार्मूला यूज करेंगे, 1/f 1/v माइनस, अब तो कर ही लेंगे, यही चीज सबसे मेन चीज थी, ठीक है। तो 1/v यानी माइनस 50 और माइनस 1/u मतलब माइनस 25, माइनस माइनस प्लस कर देते हैं इसको, और ये 25 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये भी 50 हो जाएगा, और ये माइनस को ऊपर कर लीजिए तो 2 - 1 यानी 1/50 आ जाएगा, प्लस में 1/f इक्वल टू 1/50 यानी f इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर, वो भी प्लस में 50 सेंटीमीटर, वो भी प्लस में। इसका मतलब लेंस कौन सा यूज करना पड़ेगा, कॉन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ेगा, प्लस 50 सेंटीमीटर मतलब कॉन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ेगा। डिफेक्ट कौन सा होगा, तो आप देख लीजिए कि इनको नजदीक का नहीं दिख रहा है, दूर का दिख रहा है। तो जब दूर का दिखता है, दूर का दिखता है यानी दूर में विजन काम करता है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के लिए विजन काम करता है, विजिबल होता है, लेकिन नियर ऑब्जेक्ट में डिफेक्ट आ जाता है, दोष आ जाता है, तो इसको हम बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक है। जब दूर का ऑब्जेक्ट, लॉन्ग डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट दिखे उसके बाद साइटेडनेस आ जाए तो उसको बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस या दूर दृष्टि दोष, ठीक है। तो दूर दृष्टि दोष, कॉन्वेक्स लेंस, प्लस 50 सेंटीमीटर, और मेन जो की पॉइंट है वो ये कि जहां पर दिखता है इमेज वहीं पर बनाना है। अभी आगे कुछ और सवाल इसके ऊपर करेंगे, आपको भी क्वेश्चन देंगे प्रैक्टिस के लिए, और आप देखिएगा कि हर एक क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर आप लगाइएगा, एक मिनट के अंदर उसका आंसर आ जाएगा, एक मिनट से भी कम टाइम में आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, द पोटेंशियल इन एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है आपको हमें बताना है, मतलब आप लोग हमें बताएंगे कमेंट करके कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो रिजॉल्विंग पावर होता है वो नॉर्मल माइक्रोस्कोप से, नॉर्मल कंपाउंड माइक्रोस्कोप से ज्यादा होता है या कम, और अगर ज्यादा होता है तो क्यों, अगर कम होता है तो क्यों, यानी विथ रीजन भी आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर नॉर्मल माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर से किस तरीके से चेंज होती है, वेरी होती है। तो इसका जो पोटेंशियल है वो 3 kV से 30 kV से 90 kV तक चेंज किया गया है, बढ़ाया गया है। इफ द इनिशियल रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज R, देन इट्स न्यू रिजॉल्विंग पावर विल बी, मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उसका शुरुआत में रिजॉल्विंग पावर R था, कब, जब उसके ऊपर जो वोल्टेज अप्लाई किया गया था वो 30 kV था। तो यही ये जानना चाहते हैं कि अगर हम इसको बढ़ा के 90 kV कर दें तो जो रिजॉल्विंग पावर शुरुआत में R था वो अब कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या कितना बढ़ घट जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए देखिए एक कॉन्सेप्ट है, इसको मिटा देना, ये तो हो गया होगा, यहाँ पर बस वही बात आप लिख लीजिए कॉपी में। देखिए मैं क्या कहता हूँ ना, कॉपी में आप अपने हर पेज पर जो नोट्स बना रहे हैं, जब भी आपको कुछ ऐसा आपको पता चले, खुद से पढ़ते पढ़ते आपको आइडिया लग जाता होगा कई बार कि इस तरह के सवालों में ये वाला कॉन्सेप्ट अगर ध्यान रखें तो सवाल हल हो जाता है, क्वेश्चन लग जाते हैं, तो उस चीज़ को जरूर लिख लेना चाहिए, क्योंकि दोबारा जब आप रिवीजन करेंगे ना तो आपको इतने डेप्थ में जाकर उन चीज़ों को दोबारा से सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास पहले से होगा वो खजाना, तो वो आपको हेल्प करता है, टाइम बचाता है आपका। तो आप एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इधर बना लीजिए, चाहे उससे अच्छा तो यही होगा कि बाल की खाल है ना, बाल की खाल एक सेक्शन बना लीजिए अपनी कॉपी में, राइट हैंड साइड में ऊपर कॉर्नर पे, और जब भी कुछ ऐसा मिलता हो उसमें आप जरूर लिख दिया करें, कोई इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कोई यूनिट है, कोई डायमेंशन है, या कुछ भी आपको इंपॉर्टेंट क्लिक करता है, या कुछ ही चीज़ को याद करने का कोई ट्रिक आपको दिमाग में आ गया कि इस वर्ड से ये चीज़ हमको याद हो सकता है, इस चीज़ से ये फार्मूला कनेक्ट हो सकता है। जैसे अभी हमने रिजॉल्विंग पावर का आपको बताया ना, जनरल फार्मूला, और प्रिज्म का, और माइक्रोस्कोप का, और टेलीस्कोप का, तो आप चाहे उस चीज़ को भी इसमें लिख सकते हैं, तो काफ़ी हेल्प करेगा ये आपको और अच्छा भी है, ठीक है। चलिए तो इसको हटाते हैं, तो आप ध्यान रखें बाल का खाल अगर आप नहीं निकालेंगे तो फिजिक्स नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। बहुत सीधा साधा और भोला भाला बन के आप फिजिक्स नहीं पढ़ सकते हैं, आपको वो जो दिमाग है ना, वो बाल की खाल निकालने वाली, जो वकील लोग जैसे करते हैं बाल की खाल निकालते हैं तब जाके केस जीतते हैं, वैसे आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है, क्यों है, क्यों रिजॉल्विंग पावर कम हुआ या ज़्यादा हुआ, बाल का खाल तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक।
तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप की बात हो रही है, तो माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला आपने देखा, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज इक्वल टू डी अपान 1.22 लैम्डा और डी की जगह पर 2 साइन अल्फा और अपान में 1.22 लैम्डा। यहाँ पर म्यू नहीं यूज कर रहे हैं क्योंकि कोई वाटर या कोई भी मटेरियल की बात नहीं हो रही है, एयर ही है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव के बीच में एयर है, तो ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ पर वोल्टेज के साथ कुछ रिलेशन दिया हुआ है, तो रिजॉल्विंग पावर यहाँ पर आर है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, चलिए रिजॉल्विंग पावर का ये फार्मूला है ना, ये जनरल फार्मूला हो गया, मतलब जनरल केस हो गया। अब इनिशियल कंडीशन में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में दिया है इनिशियली रिजॉल्विंग पावर आर है, तो 2 साइन अल्फा अपान 1.22 लैम्डा। अब इस फार्मूले में आप देखिए कहीं पर भी पोटेंशियल या वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि वोल्टेज को बदलने से रिजॉल्विंग पावर पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमको तो यहाँ से ये पता चल सकता है कि कोण एंगल या वेवलेंथ बदलने से रिजॉल्विंग पावर कैसे बदलेगा, ये हम बता सकते हैं, बट पोटेंशियल के साथ रिलेशन नहीं दिया है। तो क्या करेंगे, देखिए लैम्डा का रिलेशन है, जैसे आप जानते हैं ना, जो दोस्त का दोस्त होता है वो भी आपका दोस्त हो जाता है। मतलब कहने का ये है, सपोज दिस इज अ पर्सन, दिस इज अनदर पर्सन, ठीक है, और एक इनके बगल में एक और पर्सन, और ये तीनों दोस्त हो सकते हैं अगर इनका दोस्त ये हो, पता है ना इनका नाम क्या है, अगर आपको नाम पता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जान चुके हैं कि इनका नाम क्या है, तो मैं नहीं बता रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा इंक्वायरी करेंगे पता चल जाएगा ये कौन लोग हैं। तो अगर इनके दोस्त ये हैं और इनके दोस्त ये हैं, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो कंडक्शन का सिचुएशन है, ये सीरीज कम्बिनेशन, इससे पता चलता है कि ये इनके दोस्त ये भी हैं। मतलब अगर ए बी का दोस्त है और बी सी का दोस्त है, तो ए भी सी का दोस्त हो जाता है। वही बात है, आपको यहाँ पर यही देखना है कि अगर R का रिलेशन लैम्डा से है और लैम्डा का रिलेशन पोटेंशियल से है, तो फिर R का रिलेशन भी हो जाएगा पोटेंशियल से, ठीक है। तो लैम्डा का रिलेशन क्या है पोटेंशियल से, तो रिलेशन यही है कि लैम्डा इज इक्वल टू अंडरवुड 150 अपान वी, ये है लैम्डा और वी के बीच का रिलेशन। अगर आपको एंगस्ट्राम में वेवलेंथ पता करना है तो उसका ये फार्मूला होता है, और कई जगहों पर अंडरवुड 150 जो दिखा हुआ है उसको रूट से बाहर भी निकाल के लिखते हैं 12.27 यहाँ पर लिख दिया जाता है। तो आप देखिए कि लैम्डा का रिलेशन अगर V से है और लैम्डा का रिलेशन R से भी है, तो इसका मतलब R का रिलेशन V से यहाँ पर हमको मिल जाएगा। तो लैम्डा की जगह पर अगर हम यही फार्मूला रख दें सिर्फ, तो हमको मिल जाएगा रिजॉल्विंग पावर R इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा अपान 1.22, लैम्डा की जगह पर अंडर रूट 150 और अपान में अंडर रूट V, जो कि ऊपर चला जाएगा अंडर रूट V। अब आप देखिए 1.22 ये पूरा पार्ट सब कुछ तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, और R और V के बीच का रिलेशन मिल गया कि R1 अपान R2 इज इक्वल टू अंडर रूट V2 अपान V1, और R1 अपान R2 का मतलब ये कि R1 मतलब इनिशियल रिजॉल्विंग पावर R, और R2 मतलब फाइनल रिजॉल्विंग पावर, जो कि हमको पता करना है R2, और V2 कितना है, V2 इज 90, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 90 किलोवाट, और ये कितना है, यहाँ पर है 30 किलोवाट, तो किलो से किलो कैंसिल हो जाएगा, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, √3/1, तो इसका मतलब R2 इज इक्वल टू आ जाएगा R/√3, मतलब जो रिजॉल्विंग पावर होगा, फाइनल रिजॉल्विंग पावर, वो इनिशियल रिजॉल्विंग पावर का √3 टाइम्स होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन जिस तरीके का ये दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है, ये R प्रोपोर्शनल टू अगर अंडर रूट V है, तो R1 अपान R2 करेंगे तो V1 अपान V2 होगा ना, तो पहले V1 वाली वैल्यू होगी फिर V2 वाली वैल्यू होगी, क्योंकि हम यहाँ इनिशियल वैल्यू लिख रहे हैं और यहाँ पर फाइनल, तो R1 की जगह पर R लिख रहे हैं, और ये R2 को हम मान रहे हैं कि ये फाइनल रिजॉल्विंग पावर है, तो R1 के सामने यहाँ पर ये V1 होना चाहिए, V1 का मतलब 30 होगा, और V2 का मतलब यहाँ पर फाइनल वोल्टेज यानी कि 90 होगा, ठीक है। तो ये बस वही रिवर्स आ जाएगा, यानी ऑप्शन से ही पता चल गया, ये 1/ कितना हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा, तो R/R2 इज इक्वल टू 1/√3, तो ये रिलेशन उल्टा बन जाएगा, यानी कि R2 इज इक्वल टू √3R।
ठीक है, तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये फार्मूला भी आप याद रखिए, कई बार तो सिर्फ इसी के ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं। आप मॉडर्न फिजिक्स में आप पढ़ेंगे इसको, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट आप इसको अभी भी देख लीजिए कि ये लैम्डा इज इक्वल टू अंडर रूट 150 अपान वी है, और आर यानी रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा अपान 1.22 लैम्डा है। तो आर का रिलेशन लैम्डा से है और लैम्डा का रिलेशन वी से है, तो आर का रिलेशन यहाँ पर वी से बन जाएगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो आर वन अपान आर टू इज इक्वल टू अंडर रूट वी वन अपान वी टू। तो आर वन की वैल्यू आर और वी वन की वैल्यू 30, वी टू की वैल्यू 90 सॉल्व कर देंगे तो आर टू इज इक्वल टू आ जाएगा रूट 3 आर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि टू पॉइंट्स सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 मिलीमीटर कैन जस्ट बी ऑब्जर्व्ड इन अ माइक्रोस्कोप व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड। मतलब कि जब 6000 एंगस्ट्रॉम की लाइट इस्तेमाल की जाती है तो 0.1 मिलीमीटर वो मिनिमम डिस्टेंस है जिसको क्लियरली देखा जा सकता है, उसको उस पॉइंट पर इतनी डिस्टेंस पर रखे ऑब्जेक्ट को सेपरेटली देखा जा सकता है। इफ द लाइट ऑफ वेवलेंथ 4800 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड दिस लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन विल बी, यानी वो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ही है, दो पॉइंट जब एक दूसरे के 0.1 मिलीमीटर की डिस्टेंस पर होते हैं और 6000 एंगस्ट्रॉम की लाइट इस्तेमाल की जाती है तब उसको क्लियरली देख सकते हैं, यानी वो है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। इस कंडीशन में कह रहे हैं कि अगर लाइट 6000 एंगस्ट्रॉम की बजाय इतने वेवलेंथ का इस्तेमाल किया जाए तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कितना होगा जो शुरुआत में 0.1 मिलीमीटर था। ठीक है, तो इस सवाल को भी आप पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर सकते हैं, बट वहां पर रिजॉल्विंग पावर के बारे में पूछा गया था, इनिशियल और फाइनल रिजॉल्विंग पावर, यहां पर उसका उल्टा यानी कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है माइक्रोस्कोप का है और माइक्रोस्कोप के लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का फार्मूला होता है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, इसका यूनिट पता है ना, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का यूनिट क्या होता है कमेंट करके बताएंगे आप लोग। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन मान लीजिए इसको हम पी से एक्सप्रेस करें या एल से एक्सप्रेस कर लेते हैं, इसके लिए फार्मूला होता है 2μ sin α, जहां पर म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव के बीच रखा हुआ जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और अपान में 1.22 लैम्डा। तो यहाँ पर फिलहाल ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव के बीच में कोई मीडियम नहीं है तो म्यू को हम हटा भी सकते हैं, तो 2 sin α अपान 1.22 लैम्डा, सॉरी ये हम किसका फार्मूला लिख दिए, ये उल्टा हो गया, ये जस्ट उल्टा लिखना पड़ेगा, 1.22 लैम्डा अपान 2 sin α, ये है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का फार्मूला। इसी को जब उल्टा लिख देंगे वो रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो 1.22 लैम्डा अपान 2 sin α, यह है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप, और लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इनिशियल दिया हुआ है और वेवलेंथ भी इनिशियल दिया हुआ है, फाइनल वेवलेंथ दिया है लेकिन फाइनल लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन पूछा जा रहा है। मतलब अल्फा की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ये कांस्टेंट है, बट ये लैम्डा वेरी हो रहा है। तो यहाँ से आपको साफ साफ पता चलता है L1 अपान L2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपान लैम्डा 2, सिंपल सी बात, और L1 है 0.1 मिलीमीटर और ये L2 पता करना है, लैम्डा 1 कितना है, तो लैम्डा 1 है 6000 एंगस्ट्रॉम और लैम्डा 2 कितना है, ये है 4800। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 6 से कैंसिल करिए, 6 और यहाँ पर 8 आएगा और यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 अपान 8, मतलब 5/4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो L2 इज इक्वल टू 4 × 0.1 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 0.1 अपान 5, 5 से डिवाइड करेंगे नहीं जाएगा, डेसिमल लगाएंगे और एक जीरो बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 10, यानी कि 5 × 1, है ना, 8 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो गया था ना, तो ये हो जाएगा आपका 8, यानी कि 8 × 5 करेंगे 40 आएगा, और 40 में 2 पॉइंट पर डेसिमल लगाएंगे तो 0.4 आ जाएगा। ठीक है, 0.08, और ये यूनिट क्या हो जाएगा, मिली मीटर। ठीक है, तो L2 इज इक्वल टू 0.08 मिलीमीटर आएगा, जो कि क्वेश्चन में L1 कितना था, 0.1 मिलीमीटर। तो रिजॉल्विंग पावर जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है वो कितना हो जाएगा, 8 गुना बोलेंगे इसको, तो ये है आपका 0.08 मिलीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये।
तो पूछा है कि द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई इज कंट्रोल्ड बाई, हमारी आँख में आई में जो लाइट इंटर करती है उसको कंट्रोल कौन करता है। तो जैसे ये क्वेश्चन दिखता है आप तुरंत झपट्टा मारेंगे किस टॉपिक के ऊपर, आपको तुरंत आ जाएगा प्यूपिल, जो कि तेज लाइट में छोटी हो जाती है और कम लाइट में बड़ी हो जाती है। लेकिन केयरफुल रहिएगा, साथ में एक ऑप्शन और है आयरिस का। ये वही आयरिस है जो मसल के फॉर्म में होता है, मेम्ब्रेन के फॉर्म में होता है, कलरफुल होता है। ह्यूमन आई का कलर आयरिस के कलर के ऊपर डिपेंड करता है, ये वही आयरिस है। तो अब जब दोनों ऑप्शन साथ में आ जाएं तो थोड़ा केयरफुल रहना है। देखिए, जब आपने ह्यूमन आई का डायग्राम बनाया था तो हमने क्या बताया था उसमें आपको, हमने आपसे कहा था कि प्यूपिल जो है लाइट को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ये इस सेंस में हमने बताया है कि क्योंकि प्यूपिल ही छोटा या बड़ा होता है। बट अगर आप देखिए दोनों ऑप्शन साथ में है, आयरिस भी उसी में दिया हुआ है, तो ये आयरिस ही तो है ना, इसी आयरिस के बीच में यहाँ पर लेंस था, यही होल जो है इसी को हम प्यूपिल बोलते थे, ये था प्यूपिल। तो प्यूपिल जो छोटा या बड़ा होता है, जो होल है वो छोटा या बड़ा होता है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब यही जो आयरिस है यही नज़दीक आ जाएंगे तो प्यूपिल छोटा हो जाएगा, यही आयरिस दूर चला जाएगा तो प्यूपिल बड़ा हो जाएगा। यानी प्यूपिल छोटा या बड़ा होता है बिकॉज ऑफ द मस्कुलर एक्शन ऑफ आयरिस, आयरिस के मस्कुलर ऑप्शन एक्शन की वजह से प्यूपिल छोटी या बड़ी होती है। तो अगर आपके पास आयरिस ऑप्शन में नहीं है तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। लेकिन दोनों साथ में है तो आप इसको प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि मस्कुलर एक्शन इसी की वजह से हुआ है, यही सिकुड़ रहा था, फैल रहा था, जिसकी वजह से ये छोटा सा होल जिसको प्यूपिल या पुतली कहते हैं वो भी छोटी या बड़ी हो रही थी। ठीक है, तो अगर दोनों ऑप्शन में है तो फिर आयरिस करेक्ट है, दोनों नहीं है तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका प्यूपिल। तो यहां पर आपको आयरिस ही करना है, दोनों ऑप्शन साथ में है तो ये ध्यान रहे, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इसमें होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अ पर्सन कैन सी क्लियरली अप टू 3 मीटर ओनली, प्रेस्क्राइब अ लेंस फॉर हिम सो दैट ही कैन सी क्लियरली अप टू 12 मीटर। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अभी वो सिर्फ 3 मीटर की डिस्टेंस तक देख सकता है, लेकिन आपको ऐसा चश्मा उसको बताना है उस आदमी को कि वो 12 मीटर तक के डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को बहुत ही क्लियरली देख सके। तो मैंने आपसे बताया है कि जहां तक आप चाहते हैं कि वो देख सके, सॉरी जहां तक ये देख पाता है वहीं पर आपको इमेज बनाना है। तो 3 मीटर तक तो देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसको ऐसा चश्मा लगाएंगे, ऐसा लेंस लगाएंगे चश्मे में कि 12 मीटर के डिस्टेंस पर जो ऑब्जेक्ट रखा हो उसका इमेज आकर के 3 मीटर की डिस्टेंस पर बने, क्योंकि 3 मीटर के डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट इनको दिखता है। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो 3 मीटर की डिस्टेंस पर बनेगा, कब, जब ऑब्जेक्ट 12 मीटर की डिस्टेंस पर रखा होगा तब। तो अगर 12 मीटर की डिस्टेंस पर रखे ऑब्जेक्ट का इमेज 3 मीटर पर बन जाए तो इस आदमी को दिखने लगेगा, तो आप कह सकते हैं कि इनको 12 मीटर तक दिखता है। ठीक है, तो यानी इनको 3 मीटर तक दिख रहा था और जहां तक दिखता है वहीं पर इमेज बनाना है, दैट मीन्स वी इज इक्वल टू 3 मीटर और आंख के सामने लेफ्ट साइड में तो माइनस। इसी तरह से 12 मीटर पर ऑब्जेक्ट को रखना है तो ये हो जाएगा 12 मीटर, लेकिन ये आंख के सामने बाई तरफ यानी कि माइनस। तो फोकल लेंथ आपको बताना है 1/f, 1/v, -1/u, 1/-3, -1/u, कितना, -12, -- प्लस करिए, -1/3, +1/12, एलसीएम हो जाएगा 12, यहाँ पर आएगा -4, +1, यानी कि -3/12, यानी कि -1/4, यानी कि 1/f = -1/4, दैट मीन्स f = -4 सेंटीमीटर, यानी कि जो लेंस होगा वो 4 सेंटीमीटर का होगा, और माइनस का मतलब नेचर कौन सा होगा, कॉनकेव नेचर का होगा, और कॉनकेव नेचर का होगा इसका मतलब क्या, इसका मतलब इनको नज़दीक का ऑब्जेक्ट दिखता है लेकिन दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है। ठीक है, यानी मायोपिया हुआ है इनको। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। लास्ट क्वेश्चन देखिए, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज मैक्सिमम फॉर, मैक्सिमम रिजॉल्विंग पावर किसके लिए होता है, ब्लू कलर की लाइट के लिए या फिर ग्रीन या फिर येलो या फिर रेड। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप का फार्मूला आपको पता है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज इक्वल टू 2 sin α / 1.22 λ। तो यहां से साफ साफ पता चलता है कि रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, और वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट का मतलब जो भी कलर्स यहां पर ऑप्शन में दिए हुए हैं आपको देखना पड़ेगा कि इसमें से सबसे कम वेवलेंथ किसका है।
जिसके लिए वेवलेंथ लैम्डा सबसे कम होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा रिलेशन है, जिसके लिए लैम्डा सबसे कम होगा उसके लिए रिजॉल्विंग पावर मैक्सिमम होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, रेड है। अगर नहीं पता है किसका वेवलेंथ ज़्यादा है तो आप यहाँ से देखिए, वी आई बी जी वाई ओ आर विबग्योर प्रिज्म से जब वाइट लाइट पास होती है तो विबग्योर के अकॉर्डिंग सबसे नीचे वायलेट और सबसे ऊपर रेड, एंड दिस इज द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ। ये वेवलेंथ के इंक्रीज होने का ऑर्डर है, मतलब रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, वायलेट का सबसे कम। बीच में कौन लोग आएंगे? तो विबग्योर से, तो वी आई बी जी वाई ओ आर। अब मिला लीजिए सबसे कम वेवलेंथ किसका आएगा, तो यहाँ ब्लू दिया है, ग्रीन दिया है, तो ग्रीन से पहले ही ब्लू आता है और येलो से पहले भी ब्लू आता है, रेड से पहले भी ब्लू आता है। इसका मतलब कि ब्लू का वेवलेंथ सबसे कम होगा इन सभी ऑप्शन में, और अगर वेवलेंथ सबसे कम होगा तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप सबसे ज्यादा होगा, तो यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, काफ़ी आपने एंजॉय किया होगा इस लेक्चर को। न्यूमेरिकल में कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो आप थियरी में मिस हो जाता है, तो न्यूमेरिकल में आपने सीखा, जैसे कि रिजॉल्विंग पावर ऑफ प्रिज्म का फार्मूला आपने देखा, किस फैक्टर पर डिपेंड करता है ये आपने देखा, और सबसे मेन चीज़ कि आई डिफेक्ट वाले न्यूमेरिकल में आपको समझ में आया कि किसको वी लेना है और किसको यू लेना है। क्लियर है, तो ये सारा कुछ आप जल्दी से नोट कर लीजिए, और अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं होमवर्क के लिए, आप उनको सॉल्व करिएगा, और सॉल्व करके जैसे हमेशा आप कमेंट करते आए हैं, कभी कभी भूल जाते हैं, उसी तरह से आप कमेंट कर दीजिएगा, और उसका हम उस क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा उसको हम रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आपके होमवर्क का सबसे पहला क्वेश्चन है, द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक पर्सन इज 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई, व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस required to enable the person to read clearly a book held at 25 centimeter from the eye। मतलब कि जो hypermetropic person है उसका जो near point है वो 50 centimeter है, तो 25 centimeter की distance पर कोई object अगर है या book है उसको पढ़ना है तो उसको किस power का lens चाहिए, उस lens का power आपको बताना है। ठीक है, question number 2, the resolving limit, resolving limit का मतलब limit of resolution of a telescope with objective diameter of 1 inch, यहाँ इंच में दिया हुआ है, ये भी ध्यान रखना है, and light of wavelength 6000 angstrom is। तो light का wavelength दिया है, objective का diameter दिया हुआ है, limit of resolution आपको calculate करना है, formula वगैरह सब आपको पता है। तो ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 2.88 × 10⁻⁵ रेडियन, 3.9 × 10⁻⁴ रेडियन, 2.9 × 10⁻⁷ रेडियन, 3.9 × 10⁻⁶ रेडियन। और लास्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ हाइगेंस एंड रैम्सडन आईपीस इज। ऑप्शन हमने नहीं दिया हुआ है, आपको इसको सॉल्व करना है कि हाइगेंस आईपीस और रैम्सडन आईपीस में जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंसेज इस्तेमाल होते हैं ना, एक फील्ड लेंस होता है और एक आई लेंस होता है, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, उन दोनों के डिस्टेंस का रेशियो आपको बताना है कि वो रेशियो कितना होता है। ठीक है, और जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस आप लीजिएगा हाइगेंस या रैम्सडन आईपीस में, वो दोनों मतलब वो सब प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ही होंगे, कहने का मतलब ये है। ठीक है, चलिए तो ये तीन क्वेश्चन आप सॉल्व करें और सॉल्व करके अपना आंसर बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 13 में, जो जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स का लास्ट लेक्चर होगा। जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स ही अभी तक आपका चल रहा है, अभी वेव ऑप्टिक्स में इंटर नहीं किए हैं, तो पूरा ऑप्टिक्स जो है आपका दो पार्ट में है ना, जियोमेट्रिकल या रे ऑप्टिक्स, उसके बाद वेव ऑप्टिक्स या फिर फिजिकल ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स या फिजिकल ऑप्टिक्स कल के लेक्चर के बाद स्टार्ट हो जाएगा, तो कल जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स का लास्ट लेक्चर होगा यानी लेक्चर नंबर 13। ठीक है, आप पढ़ाई करते रहें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।